तो प्यारे बच्चों, हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रश्नावली 2.1, बहुपद का प्रश्नावली 2.1 इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग को एक नंबर क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये हम लोग बनाते हैं। इसका एक का देखिए, एक का कितने नंबर, तो एक नंबर। ग्राफ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ उधर साइड में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ग्राफ कुछ इस तरह से है, देखिए इस तरह से ग्राफ दिया है। यह क्या हो गया, वाई अक्ष, नीचे वाला वाई डैश, और इधर वाला एक्स है, और इधर वाला एक्स डैश है। तो इसमें देखिए इस तरह से तीर का निशान है। तो आप लोग बताइए, यहाँ पर हम पूछते हैं कि ये कौन सा अक्ष है। तो आप लोग कहिएगा, सर जी यह वाई अक्ष है और ये वाला कौन सा अक्ष है। तो एक्स लिखा है तो एक्स अक्ष है। ओके, क्षैतिज, ऐसे ट्रांसवर्स है, क्षैतिज इसको क्या बोलते हैं। तो एक्स अक्ष और ऐसे ऐसे है, ठीक है, उदग्र अक्ष, तो इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर बताइए, यह जो तीर है एक्स अक्ष को, हमको वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है बच्चों, एक्स अक्ष को यह जो तीर है कितने मर्तबे काटा है। तो एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटा है। तो इसका जो शून्य के संख्या हो जाएगा वह कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे, जीरो आंसर हो जाएंगे, राइट। अब इसी तरह दो नंबर आप लोग को ग्राफ उधर दिखाई दे रहा होगा कि ग्राफ है हमारा इस तरह से दो नंबर। चलिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, देखिए ऊपर के साइड में वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है, दाहिना तरफ एक्स होता है, बायां तरफ एक्स डैश होता है। तो यहाँ पर आप लोग ग्राफ देख सकते हैं और इसमें इस तरह से है। देखिए हम यहाँ पे फोटो बनाकर बताते हैं आप लोग को। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक्स अक्ष को यह जो ग्राफ है, यह जो तीर है कितने बार कहाँ पे काटा है, कई बार काटा है। तो यहाँ पर एक बार काटा है। तो हम पूछते हैं, बताइए कितना इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो आप लोग कहिएगा, सर जी यहाँ पर एक अक्ष को एक बार काटा है, मतलब एक आंसर होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक आंसर लिख लेते हैं, शून्यक की संख्या कितना हो गया, तो एक हो गया, बराबर एक आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसी तरह तीसरे नंबर ग्राफ को देखते हैं। आप लोग इधर साइड में ग्राफ देख सकते हैं, देखिए ग्राफ इस तरह से दिया है, ग्राफ के इस तरह से दे दिया है। देखिए यहाँ पर कितने हैं, तो इस तरह से है, इस तरह से ग्राफ दिया है। ओके, इस तरह से ग्राफ दे दिया है। तो आप लोग से पूछते हैं बच्चों, बताइए यहाँ पर जो है, यहाँ पर यह जो रेखा है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटा है। तो कहिएगा, सर जी एक बार यहाँ पे, ये वाला एक्स अक्ष हो गया, एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, मतलब टोटल हो गया तीन बार। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या तीन हो जाएगा सर जी, कितना इजी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शून्यकों की संख्या तीन। यह आपका एक नंबर था, ये आपका दो नंबर था, और ये आपका तीन नंबर हो गया। अब इसी तरह हम लोग चौथे नंबर देख लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अब बताइए, अब आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल देख करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर। तो आप लोग बताइए, वहां पे ग्राफ दे दिया आप लोग बताइए यह कितने बार कटा है। तो यहाँ पर आप लोग कहिएगा, सर जी यह जो है एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काट रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो यह जो हो जाएगा, इसका शून्यकों की संख्या दो हो जाएगा। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो दो हो जाएंगे। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। देखिए पांचवा नंबर दिया है इसका, पांचवा नंबर, तो पांचवा नंबर दिया है कुछ इस प्रकार से। चलिए हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, आप लोग देख करके आंसर दीजिए फटाफट से, आप लोग देख करके इसको आंसर दीजिए। चलिए, तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे,
और फिर ऐसे। तो आप लोग देख करके आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, कितने हो जाएंगे शून्यकों की संख्या, कितने हो जाएंगे। तो आप लोग कहिएगा प्यारे बच्चों कि सर जी यहाँ पर एक बार काटा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या चार हो गया। चार बार काटा तो शून्यकों की संख्या चार हो गया। शून्यकों की संख्या बराबर चार आंसर। ओके, तो चलिए इस यह जो चैप्टर है हमारा, इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर इस तरह से ग्राफ दिया है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ओके चलिए, तो आप लोग बताइए यहाँ पे इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, देख करके बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। तो आप लोग कहिएगा प्यारे बच्चों कि सर जी यहाँ पर एक बार काटा है, यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे टच किया, 1 2 3, शून्यकों की संख्या बराबर 3 आंसर। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप लोग को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए यह हमारा प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलते हैं 2.2 में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.